हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। कंटिन्यू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को। क्वेश्चन है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब देखेंगे इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 20 है, यहाँ पे x की वैल्यू मैक्सिमम 3 है, इट मीन्स कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये आपको पता है। तो अब इस कांस्टेंट के फैक्टर्स को हम लोग फाइंड करेंगे, इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो देखिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, -1 हो सकता है, +1 होगा, -2 होगा, +2 होगा, -4 होगा, +4 होगा, -5 होगा और +5 होगा। बाकी नीचे देखिए स्पेस नहीं है तो मैं इसको नीचे कर दे रही हूँ। इसके और बाकी जो फैक्टर्स होंगे वो आपका -10 होगा, +10 होगा, -20 होगा और +20 होगा। अब देखिए इस 20 जो कांस्टेंट है इसके इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स से लेना देना नहीं होता है, सिर्फ उसी फैक्टर से हमें मतलब होती है जिसको पुट करने से यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू आ जाए और वही जो है हमारा वन ऑफ द फैक्टर हो जाएगा। क्योंकि पता है ट्राइनोमियल जो भी होते हैं पॉलिनोमियल्स उनमें 3 फैक्टर होते हैं, तो एक फैक्टर को हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, बाकी जो रेस्ट रह जाएंगे उसको हम बाद में कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं x की वैल्यू को -1 पुट करती हूँ तो कितना आता है, लिखेंगे -1 का क्यूब प्लस 13, -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। ये हो जाएगा -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, और ये वैल्यू जो है आपकी हो जाएगी 13 और 20 को ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगी, इनकी वैल्यू प्लस है इसलिए इसको मैंने आगे इस तरह से लिख दिया, और ये जो है आपका -33 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस तरह से वैल्यू 0 आ जा रही है। तो कहेंगे कि x इक्वल टू -1 जो है एक फैक्टर होगा, इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे इस तरह से, माइनस इक्वल साइन के इधर को आएगी तो +1 होगा, और इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, मीन टू से कि x प्लस 1 जो है एक फैक्टर है, यहाँ पे लिखेंगे इज अ फैक्टर। अब इस x प्लस 1 से यहाँ पर डिवीजन करना शुरू करेंगे, जो फैक्टर आया उससे इस पॉलिनोमियल को, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ उसको डिवाइड करेंगे, लिखेंगे x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसको डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे x³ लाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x² से करेंगे। अब इस x² का इस x से मल्टीप्लिकेशन होगा तो x³ आ जाएगा, प्लस 1 से जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो x² आ जाएगी, और साइन यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, ये x³ और x³ कट गया और ये जो है 12x² आ गई, उसके बाद जो है ये 32x प्लस 20। अब यहाँ पर 12x² लाने के लिए क्या करेंगे, 12x से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x का x में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 12x² हो जाएगी, प्लस ये 12x हो जाएगी, और इसको इस तरह से साइन चेंज कर लेंगे, ये कट जाएगा और ये आपका 20x आ जाएगा, प्लस ये 20 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर कि 20x लाने के लिए क्या करना होगा, तो इस x में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ये 20x हो जाएगा, प्लस 20 का 1 से होगा मल्टीप्लिकेशन, 20 हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे और इस तरह से यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमें पता है फैक्टर थ्योरम से डिविडेंड जो होती है
वो इक्वल टू होती है डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर डिविडेंड जो है वो कितना है, यही है जो क्यूबिक पॉलीनोमियल गिवन है। लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। और डिवीजर कितना है, देखिए यहाँ पर x प्लस 1 जो है डिवीजर है। और कोसेंट कितना आया, तो ये आया आपका x² प्लस 12x प्लस 20। और रिमाइंडर जो है वो 0 है। तो इसको हम लिखेंगे, ये x प्लस 1 जो है इस तरह से यहाँ पे मैंने उतार दिया, और ये जो है x² प्लस 12x प्लस 20। अब देखिए इसको ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो यहाँ पे मीटर हाउस स्प्लिटिंग हम फॉलो कर लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर मैं बड़ा सा ब्रैकेट करके रख देती हूँ और फिर इस वैल्यू को पुट कर देती हूँ। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आना चाहिए, और मिड टर्म आ जाना चाहिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद। इसके लिए 12x के लिए कुछ इस तरह से स्प्लिट कर दें, 10x प्लस 2x कर दें तो ये 12x हो जाएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंड वाला प्रोडक्ट भी आ जाएगा, 20x भी आ जाएगी प्लस 20। ठीक है, नेक्स्ट को कंटिन्यू करेंगे, x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर x इंटू एक्स प्लस 10, यहाँ पर इसमें से कॉमन ले लेंगे, प्लस यहाँ पर जो है 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा x प्लस 10। इसके बाद ये जो है हमारा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10, ये इस तरह से यहाँ पर ये तीन हमारे जो है फैक्टर मिल गए इस क्यूबिक पॉलीनोमियल के लिए, यही हमारा आंसर हो गया। गाइज, मैं यहाँ पर आशा करती हूँ कि ये जो भी क्वेश्चंस मैं पॉलीनोमियल के आपको करा रही हूँ वो आपको समझ में अच्छे से आ रही है, कि नेक्स्ट पार्ट को जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।